हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि काइन मास्टर का जब नया अपडेट आ गया तो वाटरमार्क की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, कि नए अपडेट में वाटरमार्क भी आ रहा है, कई वेबसाइट पर चेक करने के बाद भी नहीं मिल रहा है विदाउट वाटरमार्क वाला काइन मास्टर। तो मैं आज आपको इसी वीडियो में यही बताऊँगा कि मान लो अगर आपको काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वाटरमार्क आ रहा है, तो आप उसके अलावा कौन सी ऐप यूज कर सकते हैं जिससे आप अच्छी वीडियो बना सके और अच्छा वीडियो एडिटर ऐप हो। तो मैं आज आपको इसी वीडियो में यही बताऊंगा कि उसके अलावा कौन सी ऐप आती है जो आपको विदाउट वाटरमार्क वाला प्रोवाइड कराती है और अच्छी एडिटिंग देती है। मेरे ख्याल से जो ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो काइन मास्टर से भी काफ़ी बेटर ऐप है और कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना मैं दावे से कह सकता हूँ। और चलाने में भी बहुत इजी है। जैसे कि काइन मास्टर में आपको कई तरीके के उसमें फ़िल्टर वगैरह मिल जाते हैं, क्रोमा की मिल जाता है, जिससे आपको आसानी मिल जाती है थोड़ा वीडियो को एडिटिंग करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। उसके अलावा जो दूसरा ऐप है उसके अंदर उससे लाख गुना अच्छी चीज़ें हैं, मगर मैं काइन मास्टर का विदाउट वाटरमार्क वाला भी बताऊँगा आपको कि विदाउट वाटरमार्क वाला आप ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे ऐप के बारे में, कि दूसरा ऐप आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए जिसमें वाटरमार्क ना आए, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपनी फ़ोन को स्क्रीन को खोल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि विदाउट वाटरमार्क वाला कौन सा ऐप है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी स्क्रीन को खोल लिया है और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है सीधा अपने प्ले स्टोर पर। जब आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है VN एडिटर ऐप। जैसे कि मेरे पास है, मेरे फ़ोन में ऑलरेडी है, और तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको सीधा करेंगे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो ये जो प्लस का निशान है आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो जब आप इसके प्लस के निशान पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से वो आप वीडियो चॉइस कर लेंगे जो वीडियो की आपको एडिटिंग करनी है। जैसे कि मैं मान लो अपनी वीडियो कोई चॉइस कर लेता हूँ और मैं उस पर एडिटिंग करके आपको थोड़ा बताऊँगा, जो काइन मास्टर से ज़्यादा बेटर आपको मैं दिखाऊँगा। जैसे कि मैं ये वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जब आप इसको इंटरफेस देखेंगे इस तरीके का, तो अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि हम क्रोमा की का यूज़ कैसे करें, ग्रीन स्क्रीन का अदर ऐप में कैसे यूज़ करें। तो मैं आपको यही बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे, ये जो प्लस का निशान है जहाँ पे ये वीडियो और फोटो का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें क्रोमा की हमारे को लगाना है। जैसे मान लो मैं ये वाला लगा देता हूँ जो मेरे पास है, डाउनलोड किया हुआ मैंने, ये मैंने लगा दिया है। और जैसे कि इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। अब दूसरी चीज़ है कि इसको कैसे करना है, तो इसमें आपको सिंपली यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोमा का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए मिल गया। इसके बाद इसको आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं, अपना सेटल कर लेना इस हिसाब से। जब आप इसको सेटल करके ओके करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो सिंपल है, बहुत अच्छी ऐप है, VN एडिटर है, जो कि आपको काइन मास्टर से बहुत अच्छा वर्क आपको करके देगी। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, मान लो आपको फ़िल्टर का यूज़ करना है तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे फ़िल्टर मिल जाते हैं, या फिर एंड में एंड स्क्रीन कुछ लगाना है तो सिंपली एंड में जाना है आपको। एंड में जाके यहाँ से आप अपनी कोई एक वीडियो को चूज़ कर लेंगे जो आपको एंड में डिस्क्रिप्शन जिसे हम बोलते हैं या कुछ ऐसा कुछ लगाना है। तो जैसे कि मेरे पास है पहले से, तो मैं इसको लगा देता हूँ, और मैं आपको ये मेरा डिस्क्लेमर है जो मैं एंड में अपनी वीडियो को दिखाना चाहता हूँ। तो आप इसको प्ले करेंगे तो एंड में आप इसको सिंपली लगा सकते हैं, जैसे कि काइन मास्टर को आप यूज करते हैं। दूसरी इस वीडियो की खासियत यही है, इसमें आपको बिल्कुल भी वाटरमार्क नहीं आएगा और सिंपली एडिटिंग है, बहुत प्यारी ऐप है, इसको आप यूज कर सकते हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद मिलेगी। तो दूसरी चीज़ मान लो अगर आपको फ़िल्टर यूज़ करना है तो फ़िल्टर के लिए भी आप बहुत सारे फ़िल्टर इसमें मिल जाते हैं आपको, तो आप फ़िल्टर के लिए भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ये सारे बहुत सारे फ़िल्टर हैं इसमें, तो आप इसको भी अपनी वीडियो पर लगा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये काइन मास्टर से काफ़ी
अलग है और काफ़ी आसान वर्क है। तो देख रहे होंगे आप वीडियो को, जैसे कि मैंने थोड़ा एडिटिंग किया है, थोड़ा फिल्टर भी लगाया है इसमें। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और इसको यहाँ से सिंपली सेव कर लेंगे तो ये सीधा आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। जब ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी तो आप अपनी गैलरी से वीडियो निकाल कर देख सकते हैं, उसमें कोई वाटरमार्क नहीं आएगा और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो ऐप है ये पूरी HD है, HD में आप इसको वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान सी ऐप है, VN एडिटर ऐप है जो आपको नॉर्मली मिल जाएगी प्ले स्टोर से। अगर नहीं मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप ले सकते हैं। क्योंकि काइन मास्टर में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मिल पा रहा है उनको विदाउट वाटर मार्क वाला। तो विदाउट वाटर मार्क वाला अगर आपको काइन मास्टर चाहिए तो मुझे कमेंट्स करना। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ आपको काइन मास्टर ही यूज़ करना है या काइन मास्टर से आपको आसानी पड़ती है तो मैं उसके लिए भी एक नया वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।